नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। जी उठ गए सुबह सुबह और आ गए हैं यहाँ पर टहलने के लिए। जब यहाँ पर आए हैं जी, मौसम जो देख रहे हैं जी, इतना सुहावना मौसम है। पिछले कुछ दिनों से जो गर्मी थी इतनी तेज, उससे राहत मिली है आज। तो हम लोग सोच रहे थे हम तो 3 बजे जल गए, मन कर रहा था कब सुबह हो और हम बाहर रहते। अच्छा, इतना घुटन सा लग रहा था। और आजकल मेरे साथ भी हो रहा है कि 3:30 बजे मेरा नींद खुल जाता है और उस समय ऐसा लगता है कि मेरा नींद हो चुका है पूरा, लेकिन मन में रहता है कि नहीं, कम से कम 6 घंटा सोना चाहिए, 7 घंटा सोना चाहिए। तो इस वजह से जो है हम थोड़ा उठते ही नहीं है। लेकिन अब ऐसा करेंगे, सोच रहे 3:30 बजे नींद खुले उठ जाते हैं और उसके बाद अपना जो भी होगा काम धाम करेंगे, फिर नींद आएगी, फिर सो जाएंगे, क्या दिक्कत। यहाँ पे पतिदेव पानी डाल रहे हैं पौधों में और मैं उधर देख रही हूँ आम बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। ये देख सकते हैं आम कितने बड़े बड़े हो गए। ये आम इसलिए दिखा रही है, हाँ। हमको एक तरह से सिग्नल दे रही है कि दही आप थोड़ा टिकोला खरीद करके लाइए कि आपको चटनी खाना है। मन तो कर रहा है सच में। मार्केट में मिलेगा इतनी आगे। और लीची भी आ गया है, देखिए नीचे, ये देखिए लीची भी आ चुका है। हाँ देखिए, पानी दीजिए आराम से, पहले आप हम मेरे ऊपर पानी पड़ा देते हैं। तो बगल में तुम खड़ी क्यों है? ऊपर से तो हम लोग टहल करके आ गए जी। अब बारी है थोड़ी सी पेट पूजा की, क्योंकि मेरे साथ दिक्कत, अब मैं मुंह में ब्रश लगा लेता हूँ, उसके बाद भूख लगती है बहुत तेज, इसलिए जी यहाँ पर बना नहीं सकता। अब माँ भी आ चुकी है किचन में और आज का काम जो है शुरू हो रहा है। आज क्या बना है? राजमा खाना भले अलग अलग बनता है, आज का काम कोनो काम नया काम इसको नहीं करते, यह तो दैनिक जीवन का एक अध्याय मात्र है, क्योंकि खाना सबको है, रहना सबको है, पहनना सबको है। बिल्कुल, रोजी रोटी के लिए अपना काम सबको करना है, सबको करना है, तो दैनिक जीवन का अध्याय नहीं कहो, रूटीन कहो। और यहाँ पर देख रहे हैं दाल गरम हो रहा है, सोचते हैं कि सभी तो रोटी सब्जी और दाल अलग अलग बनता ही है, आज सोचते हैं दाल भर की पूरी बना दे राजमा का सब्जी, क्योंकि वकील साहब का तबियत गड़बड़ हो गया। अच्छा, तो आज तो नहीं जाएंगे कोर्ट? वो नहीं, कोर्ट आज नहीं जाएंगे, तबियत खराब हो जाएगी, काम तो बहुत है लेकिन फिर भी शरीर से बढ़ के तो काम नहीं। बात सही है। तो अभी पतिदेव गए हैं सैलून, मैं यहाँ बेड ठीक कर रही हूँ, तो आज बेडशीट चेंज करना है तो बेडशीट चेंज करेंगे। मुझे आज थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों, मन नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। कोई बात नहीं, सब चीज़ को इग्नोर करते हैं और बेड ठीक करते हैं और जो भी थोड़ा बहुत काम है वो कम्प्लीट करते हैं। अभी कुछ देर पहले गए हुए थे जी सलून, तो सलून से आगे अपना हेयर कट करवा के और अपना शेव करवा के अब सीधा चलते हैं घर। सलून भी गए थे, देख रहे हैं बाल कटवाए हैं, दाढ़ी बनवाए हैं, सब बोले थे नहीं गए होंगे कहीं। बताओ कैसा लग रहा है दाढ़ी? अब जो जिया कुछ बोलेगी नहीं क्योंकि बहुत लेट हो गई है घर आने में, जिया को पता नहीं था हम कहाँ जा रहे हैं। सब पता था। माँ बोलेगी नहीं गया होगा सैलून में, टाइम लग रहा है। बोले नहीं माँ, कहे कहीं और। अच्छा, उसे ये प्लान था नहीं, बीच में अभिषेक मिल गया जी। अभी चल रहे हैं मार्केट, फल का स्टॉक जो है थोड़ा कम हो चुका है, स्पेशली नारियल पानी तो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो जा करके ले आते हैं नारियल पानी। आज सोचते हैं हरदम 2 नारियल पानी उठा करके ले आते थे ताकि बार बार नहीं जाना पड़े, आज सोच रहे हैं 4 नारियल पानी उठा करके ले आएंगे, 4 दिन तक नहीं निकलना पड़ेगा। और भी बाकी सब फल है, स्पेशली तरबूज, स्पेशली वो फल तो इसमें बहुत ज्यादा जरूरी रहता है जो फल आपको हाइड्रेटेड रखता है, जिसमें आ गया तरबूज, आ गया जी खीरा, आ गया, खीरा को फल नहीं कहेंगे सब्जी ही कहेंगे। सीधा चलते हैं मार्केट। कैसे पपीता भाई? 50 रुपए किलो? नापिए बना कितना है? 1 किलो 700। पपीता तो ले लिया, बाकी और भी कुछ सामान लेना है, चलिए चल करके लेते हैं। कैसे तरबूज भैया, कितना हुआ? चलिए जी तरबूज तो ले लिया, 1 दर्जन निकलिएगा। तो 2 नारियल भाई ले जाना है, दो। A few moments later. Finally, जी आ गए घर और जैसे ही घर आए तो देख रहे हैं जिया तैयार हुई है, तो जिया कहाँ जाने की तैयारी कर रही है? कहीं नहीं, तो कोलैबोरेशन का कुछ आया हुआ था जी सामान, तो जिया जो है उसको पहन करके अपना सूट कर रही है। वही सोचे कहाँ तैयार होकर के जा रही है। जल्दी से कर दीजिए क्योंकि साड़ी पहन के इतना देर रह नहीं सकते हम, थोड़ा सा फोटो शूट करना है बस। ठीक है, करते हैं जल्दी। तो हमने अपना मेकअप भी रिमूव कर लिया सब कुछ और अभी हम पी रहे हैं नारियल पानी। पूरा एकदम थकान थकान सा लग रहा था, सांस फूल रहा था, तो अभी नारियल पानी लेके आए थे तो हम सोचे नारियल पानी पी लेते हैं, उसके बाद सारा सामान जो हम रूम में फैला के रखे हैं उसको समेटेंगे। उधर पतिदेव काट रहे हैं तरबूज, तो मैं आपको दिखाती हूँ, उनको तरबूज बहुत पसंद है, बोलेंगे जिया तुम्हारे लिए लेके आए हैं, खाते खुद ज्यादा।
और यहाँ पे और नारियल पानी एक रखा हुआ है, इसमें और भी कुछ कुछ फल है तो सबको उसके जगह पे रख देते हैं, पहले हम नारियल पानी पी लेते हैं। रहा नहीं गया इनको भी, दिया कि मेरा दम फूल रहा है, हमसे ज्यादा पी नहीं पाएंगे, मुझे बर्बाद करने से अच्छा हमी को दे दो, तो पी लिए हम। अच्छा, यहाँ काटना छोड़ के ये पी रहे हैं। बिल्कुल, अब इसको फेंक दो, हो गया दिया हुआ, हाथ धो के आते हैं फिर काटना कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे हमारा तरबूज कट चुका है, देख सकते हैं। आइए बैठिए, आइए मेरे आते आते। अब जिसके लिए काटे हैं उनको आने में विलंब हो जाएगा तो क्या करें? आधा कदम हो जाता है तो वो वहाँ पे विलंब बना कर करना। उसमें जब आधा जब बचता है उसमें शेयर होता है आधा आधा। और नीचे दिया है सबको, नीचे दिया है सबको। ठीक है, तो हम खाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। यहाँ पर बोलू आया हुआ है जी, देख सकते हैं पूरा बैग लेकर के, इस बैग में पूरा सहजन रखा हुआ है, इसको रखा जाएगा। आज ही खत्म हुआ था, आज माँ बोले कि वजन खत्म हो गया, लगता है मोलू को फोन करना पड़ेगा। मोलू अच्छा संयोग रह गया। जैसे घर गए मोलू फोन करता है, दीदी लेके आए सोजन, क्या खत्म हो गया? हम बोले हाँ, तुमको कैसे पता? रिया यहाँ पर अपना रामायण देख रही है। मेरा रामायण खत्म ही होने वाला है, लास्ट एपिसोड सब लग रहा है ना। हाँ, अब खत्म हो जाएगा, कम से कम 20 एपिसोड होगा अभी भी। फिर नहीं, युद्ध खत्म हो जाएगा ना आज, उसके बाद भी है बहुत कुछ। पानी पी लो, अभी थोड़ा म्यूट करो, कुछ बात करना है। क्या हुआ? हल्का हल्का दर्द हो रहा है। तुम्हारा वहाँ तकिया बगल में पड़ा रहता है, वो तकिया इस्तेमाल करती है? नहीं, आप ही करते हैं। हाँ? तो तुम्हारे लिए आया हुआ है ना? अभी गर्मी इतनी लगती है ना, उसमें और गर्मी लगता है। बाकी आजकल जिया का देख रहे जी, खाने का तो टेस्ट ही बदल गया है। जो सब चीज खाती थी आजकल वो सब चीज नहीं खा रही है, जो सब चीज नहीं खाती थी आजकल वो सब चीज खाने लग गई है। लेकिन दही मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। उसके बाद जो है जिया में अच्छा, और क्या देख रहे? जिया जो है नॉन वेज खाती है, लेकिन अब जिया को नॉन वेज खाने का मन नहीं करता है, जो कि नॉन वेज हम भी नहीं खाते हैं। 8 मंथ से हम नॉन वेज छोड़ दिए। हाँ जी, कुछ ऐसा हाल है, अब सोच रहे अब छोड़ ही देंगे, अब खाएंगे। तो खाने में बहुत सारा ऐसा चीज है जो जिया को पसंद नहीं था, मुझको पसंद था। मेरा पसंद अब जो है इनको जो अच्छा लग रहा था ना, वो सब कुछ अभी अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि जो भी बाबू लड़की हो या लड़का जो भी हो इनके ऊपर जाएगा पूरा। अच्छा लग रहा है, बेबी जो है मेरे ऊपर जाने वाला है, मुझे तो बहुत खुशी होगी इस बात की। हाँ, ऐसी बात है। हाँ, क्योंकि मैं ये चाहती ही थी, स्टार्टिंग में हमको उतना पसंद भी नहीं था, आपको पता है, थोड़ा बहुत खाते थे, और अब चाहते हैं कि बिल्कुल ही नहीं खाए, क्योंकि आप भी नहीं खाते हो, अकेले हम खाते थे, तो अब छोड़ देंगे। और स्टार्टिंग में हमने पहले बताया भी था कि मुझे इनके जैसा चाहिए, इन जैसे ये हैं, ऐसा ही बाबू आए तो बहुत लकी होंगे। थोड़ा थोड़ा तो लक्षण लग रहा है, वैसे हम पूरा नहीं कह सकते अभी तो पेट के अंदर ही, अभी क्या पता, बस ये कन्फर्म नहीं बता, बस खाली खाने का थोड़ा सा लक्षण तुमको पता चल रहा है। पता नहीं जी इसका कोई साइंटिफिक रीजन है कि नहीं, जिया को ही पसंद आ रहा है जो मुझे पसंद आ रहा है प्रेगनेंसी के टाइम में, तो उसका बेबी से कोई कनेक्शन है कि नहीं हमें नहीं पता, वो तो बस अपना बातचीत कर रहा है। तो हमें नहीं पता जी कि इसका कोई साइंटिफिक कनेक्शन है कि नहीं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, जिनको भी नॉलेज होगा इसके बारे में, क्या ऐसा होता है क्या? बस अपने घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सब ऐसा कहते हैं कि मतलब ऐसा ऐसा पसंद है, तो हो सकता है कि तुम्हारे हस्बैंड के जैसा हो, उसका खाने पीने का चॉइस उस तरह का हो, अब जो भी हो। बाकी मेरे तरफ से कोई पाबंदी नहीं जी, जिसको जो मन है सो खाए, जैसे जिया खाती है नॉनवेज मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नहीं खाता हूँ, तो आगे घर में जिसको भी खाना है जो खाना है किसी तरह की रोक टोक नहीं होने वाली। चलिए जो भी हो जैसा भी हो, जैसा भी आए जी स्वस्थ आए, बस मस्त आए। अच्छी बात ये है कि मुझे उतना चीज पसंद नहीं है, जो बात सच है, और इनको सब चीजें पसंद है, खाने में मतलब सब कुछ पसंद है इनको। अच्छी बात ये है कि ये हो या ना हो, लेकिन खाने में सब चीज उसको अच्छा लगेगा। ठीक है जी, देखते हैं क्या रहता है कैसा रहता है। अब इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके जाइएगा आज, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, ताकि हमारा कोई वीडियो है सबसे पहले। और हाँ जी, वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दे, आपके एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, तो शेयर करना बिल्कुल भी ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।